जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह टॉपिक है एशिया का जलवायु वर्गीकरण, यानी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ एशिया। यह देखिए कि अभी आप बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि एशिया महाद्वीप, तो जानते हैं कि एशिया महाद्वीप विश्व की सबसे बृहत महाद्वीप है, जो पूरे ग्लोब पे जो स्थलीय क्षेत्र है उसका 1/3 एरिया जो है एशिया महादेश में फैला हुआ है। और एशिया का जब अक्षांशीय विस्तार देखिएगा तो यह नॉर्थ पोल से लेके इक्वेटर तक, यानी भूमध्य रेखा तक इसकी फैलाव है। और जब भूमध्य रेखा से पोल तक देखते हैं इसकी फैलाव है, इसके धरातलीय सरफेस के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान और निचली भूमि भी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु भी देखी गई है, अंकित की गई है भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु। तो आप देखिए कि एशिया महाद्वीप जो देख रहे हैं कि भिन्न अनेक विद्वानों ने एशिया के जो धरातलीय सरफेस है उस पे जो जलवायु का प्रभाव पड़ता है उसको भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीका से उसको प्रस्तुत किया है। और यह भिन्न भिन्न प्रतीकों के माध्यम से, यानी जलवायु को दिखाने के लिए भिन्न भिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। एशिया के जलवायु वर्गीकरण को देख रहे हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण जलवायु विज्ञान, यानी कि जो बेता है उनके द्वारा जो एशिया का जलवायु वर्गीकरण किया गया है वह विद्वान है व्लादिमीर कोपेन, यानी व्लादिमीर कोपेन के द्वारा जो एशिया की जलवायु वर्गीकरण की गई है। तो व्लादिमीर कोपेन महोदय जो हैं रूसी मूल के जर्मन जलवायु विद थे, यानी उनका जो थे क्या थे, वह रूसी मूल के थे लेकिन जर्मन में, यानी जर्मनी में बस गए, तो वह जर्मन जलवायुविद के तौर पे उनकी पहचान होती है। इन्होंने 1936 ईस्वी में एशिया के जलवायु का वर्गीकरण, संशोधित जलवायु वर्गीकरण किए थे, जिसके तहत एशिया को 5 बृहत, यानी 5 प्रधान जलवायु मंडल में और 11 उप जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। यानी आपने देखा कोपेन के अनुसार क्या है, एशिया को 5 बृहत यानी प्रधान जलवायु मंडल में और 11 उप जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अब यह देखिए कोपेन महोदय के द्वारा जो बृहत विभाजन की गई है, तो उसमें जो इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण को विभाजन के लिए जो आधार लिए थे, उनके द्वारा जो आधार है वह वर्षा तथा तापमान का औसत मात्रा जो होता है, यानी वर्षा और तापमान की मात्रा को बनाया। यानी कोपेन महोदय जो देखते हैं उनका जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, तो वर्षा और तापमान की मात्रा जो है उनकी जलवायु वर्गीकरण का आधार है। तो इसके आधार पे जो 5 बृहत जलवायु मंडल जो है वह देखते हैं उष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र। उष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र को ही 2 उपभाग में बांटी गई है, उष्ण आर्द्र जलवायु जिसको AF से प्रतीत किया गया है, सवाना तुल जलवायु जिसको जो है AW से, यानी उष्ण जलवायु को क्या है A से इंडिकेट, यानी जो कैपिटल A देखते हैं उससे उष्ण आर्द्र जलवायु को, यानी उष्ण जलवायु को पर। दूसरा जो देखते हैं कि यह शुष्क क्षेत्र, शुष्क जलवायु क्षेत्र यानी ड्राई क्लाइमेट, तो ड्राई क्लाइमेट को भी देखते हैं कि इन्होंने 2 उपभाग में विभाजित किए हैं। एक होता है स्टेपी तुल जलवायु यानी BS, दूसरा है मरुस्थलीय तुल जलवायु जिसको BWK कहते हैं। स्टेपी तुल जलवायु यानी अर्ध मरुस्थलीय जलवायु होती है। अब तीसरा देखिए कि उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र, यानी उष्ण भी है और शीतोष्ण भी है और वह क्षेत्र आर्द्र है, तो इस जलवायु क्षेत्र को जो है कि सी से उन्होंने इंडिकेट किया है। तो यह जो है कि उष्ण शीत, इसको भी उन्होंने 3 जलवायु प्रदेश में विभाजित किए हैं। प्रथम देखिए कि उष्ण शीतोष्ण जलवायु यानी शुष्क शीत ऋतु सहित जलवायु, यानी शुष्क शीत ऋतु सहित जलवायु जिसको CW कहते हैं, उष्ण शीतोष्ण जलवायु यानी शुष्क ग्रीष्म ऋतु सहित जलवायु यानी CA, तीसरा जो है चीन तुल जलवायु जिसको CF कहा गया है। तो यानी देखें कि सी तुल जलवायु यानी उष्ण शीतोष्ण जो आर्द्र जलवायु है उसको सी तुल जलवायु, यानी उसको भी 3 उपभाग में विभाजित किया गया है। अब चौथा देखिए कि उपध्रुवीय क्षेत्र यानी सब आर्कटिक क्लाइमेट, यानी शीत शुष्क शीत शीतोष्ण आर्द्र शीत ऋतु यानी जिसको DFC से किया गया है, शीत शीतोष्ण शुष्क शीत ऋतु यानी DWC से इसको इंडिकेट किया गया है। अब पांचवा देखिए कि ध्रुवीय यानी पोलर तुल जलवायु जिसको
क्या है कि डी ई से इन्होंने इंडिकेट किया है पोलर जलवायु को। पोलर जलवायु को भी दो भाग में विभाजित किया गया है, तुंद्रा तुल जलवायु और हिममंडित जलवायु यानी ई एफ जलवायु। अब यहां देखिए कि उष्ण आद्र जलवायु को देखिए कि सबसे प्रथम जो है उष्ण जलवायु यानी उष्ण आद्र जलवायु जिसको ए से इंडिकेट किया गया है, इसके बारे में जो कॉपेन महोदय का यह कहना है कि इस प्रकार की जलवायु में जो होती है कि जो न्यूनतम यानी उष्ण आद्र जलवायु वाली जो प्रदेश है या आप देखिएगा जो इक्वेटोरियल रीजन होती है वहां पाई जाती है, जहां पे देखिएगा कि जलवायु का न्यूनतम तापमान यानी वहां का जो जलवायु यानी कि जो तापमान होती है वर्ष का जो न्यूनतम तापमान वाली जो महीना होती है उसकी न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम ही होगी, जबकि उच्चतम तापमान यानी सबसे उच्च तापमान जो होती है 32 डिग्री सेल्सियस के मध्य ही होती है। यानी जो देखते हैं कि 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगी और 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होती है, वैसे जलवायु क्षेत्र वाले को जो है कि एतुल यानी उष्ण जलवायु कहा गया है। और जब उसको वर्षा को लेते हैं तो जहां वर्षा वार्षिक वर्षा जो होती है उसकी औसत वार्षिक वर्षा अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तो वह प्रदेश जो होता है आद्र प्रदेश कहलाती है। तो अब दोनों को जब सम्मिलित रूप से मर्ज करते हैं तो यह जो होता है उष्ण आद्र जलवायु प्रदेश कहलाती है। तो अब समझ गए कि उष्ण आद्र जलवायु प्रदेश में क्या होगा, 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान हमेशा जो उच्च रहेगी और किसी भी महीना में जो है 32 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक नहीं हो सकती है और औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। तो वैसे जलवायु प्रदेश को उष्ण आद्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। जैसे भारत का जो कोरोमंडल तट जो देखते हैं यानी जो देख रहे हैं तो वहां पे जो पश्चिमी भारत का जो है क्षेत्र जो केरला के पास वहां जो होती है यही उष्ण आद्र जलवायु क्षेत्र वाली है। तो यह जो उसके अपेक्षा दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया जो देखते हैं यानी कि जो इंडोनेशिया मलेशिया थाईलैंड कंबोडिया यह सब वाली जो एरिया देखते हैं तो वहां की जलवायु जो है उष्ण आद्र जलवायु है। और इस कोपेन ने इस जलवायु प्रदेश को देखते हैं यानी उष्ण आद्र जलवायु प्रदेश को जो है सूक्ष्म दृष्टिकोण से जब इसको विभाजन किए तो इन्होंने दो उप जलवायु प्रदेशों में विभाजित किए हैं। प्रथम जो देखते हैं कि उष्ण आद्र जलवायु यानी जहां 12 महीना वर्षा होती रहती है तो उसको कहा जाता है, अगर वैसा क्षेत्र जो उष्ण है और उस क्षेत्र में 12 महीना अगर वर्षा होती है प्रत्येक मंथ अगर बारिश होती रहती है तो उस प्रदेश को उष्ण आद्र जलवायु से संबोधित किए हैं। जिसका क्या है कि उन्होंने जो लेटर है कि कैपिटल ए और स्मॉल एफ यानी एफ जो होता है वह क्या है कि 12 महीना यानी प्रत्येक मंथ जो है वर्षा को प्रदर्शित करने के लिए यानी सूचित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जहां सालों भर वर्षा होती रहती है। तो यह आपने देखा एफ तुल जलवायु कहलाएगी। दूसरा जो है कि उसी पेटी में जो है समाना तुल जलवायु जिसको ए डब्ल्यू कहा गया है। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में जो देखते हैं शीतकाल में वर्षा नहीं होती है यानी जो शीतकाल होती है उसमें बारिश नहीं होती है यानी शीतकाल शुष्क होगी और ग्रीष्मकाल में जो होती है मानसूनी बारिश होती है यानी ग्रीष्मकाल में क्या होता है मानसूनी बारिश होती है। तो वैसे क्षेत्र यानी शीतकाल शुष्क हो ग्रीष्मकाल में जो है मानसूनी वर्षा हो तो वह ऐसे प्रभाव वाले क्षेत्र को जो कहते हैं सबाना तुल जलवायु यानी ए डब्ल्यू। तो अब देखिए कि यहाँ जो देख रहे हैं जैसे भारत में भी पाई जाती है तो यहाँ देखिए कि जो भारत में अब यहाँ जो जलवायु प्रदेश को जो आप देख लीजिए जो यह दिखाई गई है एशिया का तो इसको गौर से देखिए इस मानचित्र को। यह मानचित्र जो देख रहे हैं आप तो यह पूरा एशिया को इंडिकेट करती है। अब देखिए कि यहाँ जो यह वाली जो क्षेत्र जो देख रहे हैं यह इक्वेटोरियल क्षेत्र है यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु जो होगी ए होगी। तो अब देखिए यह वाली जो भारत का जो यह कोरोमंडल तट जो देख रहे हैं वहां जो देख रहे हैं ए एम डब्ल्यू यानी और वहीं पे जो एक छोटा सा क्षेत्र है जिसको एफ जलवायु पाई जाती है। और यह पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो देख रहे हैं कि जहां सवाना तुल यानी ए डब्ल्यू इसके अपेक्षा गंगा का मैदानी क्षेत्र जो देख रहे हैं तो इस गंगा के मैदानी क्षेत्र को जो है यहां जो है सी डब्ल्यू जी तो यह गंगा के है। यह जो हिमालय रीजन है तिब्बती पठार वाली क्षेत्र देखते हैं जो अधिक ऊंचाई होने के कारण उस क्षेत्र को भी जो है पोलर रीजन के तहत यानी ई तुल जलवायु में रखी गई है। इसी के अपेक्षा यह वाली जो क्षेत्र जो देख रहे हैं जहां थार मरुस्थल का क्षेत्र है तो बी तो यह जो देख रहे हैं तो आपने थार मरुस्थल वाला क्षेत्र को देखा दे
देखिए कि यहाँ जो है कि थार मरुस्थल वाली जो क्षेत्र है, तो यहाँ आपने देखा कि यह वाली जो क्षेत्र है, यह वाली, इसके अपेक्षा जो देखते हैं BWHW यानी कि जो थार मरुस्थल वाली क्षेत्र है, यह जो देख रहे हैं अरबियन प्रायद्वीप वाला, और यह तो पूरा एरिया जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान, तुर्की, जहाँ पे जो पाकिस्तान वाली जो क्षेत्र है और इराक वाली जो क्षेत्र है, वहाँ BSK जो देख रहे हैं, यहाँ जो अरबियन क्षेत्र जो देख रहे हैं वाली बी वाली, तो यह पूरा क्षेत्र जो देख रहे हैं, इसके अपेक्षा यह जो है कि शुष्क प्रदेश, तो यह क्षेत्र जो देख रहे हैं कि सभी जो है कि बी यानी कि शुष्क प्रदेश वाली क्षेत्र है, यह वाली जो देख रहे हैं DFC यानी DFC जो देख रहे हैं, या साइबेरियन तुल जलवायु वाली जो क्षेत्र है, यह जो देख रहे हैं, या चाइना तुल जलवायु वाली, यहाँ पे जो देख रहे हैं, या जो इक्वेटोरियल रीजन वाली ए, तो इस प्रकार से यहाँ जो देख रहे हैं इजराइल वाली जो क्षेत्र है जो CSA का है, तो इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं यहाँ पे देखिए कि यह वाली जो क्षेत्र है ई तुल जलवायु है, तो इस प्रकार से जो है एशिया को जो है कि विश्व के जो देख रहे हैं पांच मेजर जलवायु क्षेत्र है, तो पांचों जलवायु क्षेत्र में विभाजित की गई है। इसके अपेक्षा देखिए कि जो अब देखिए कि जलवायु क्षेत्र यानी जो शुष्क जलवायु क्षेत्र देखते हैं, इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में शुष्क एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों को, यानी जहाँ कम वर्षा वाली क्षेत्र होती है जिसको बी तुल जलवायु से संबोधित किया गया है, और उस जलवायु प्रदेश को भी देखते हैं बी तुल जलवायु को भी क्या है दो भाग में बांटी गई है, यानी कॉपेन महोदय ने क्या किया कि एशिया को विभाजन करने के लिए बी तुल जलवायु को भी एक प्रथम जो है स्टेपी तुल जलवायु जिसको BS कहते हैं, BS का मतलब होता है अर्ध मरुस्थलीय जलवायु, जहाँ क्या है कि जो छोटे छोटे वनस्पति मिलते रहती है यानी कि कुछ बारिश हो जाती है, तो वहाँ अर्ध मरुस्थलीय वाली जो है वह स्टेपी तुल जलवायु है, जैसे जिसका विस्तार देखते हैं मध्य एशिया से लेकर साइबेरिया के विशाल भूखंड तक पाई जाती है। यहाँ शीत ऋतु में जैसे उसकी खासियत होती है शीत ऋतु अत्यधिक सर्द होती है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में देखिएगा शीत ऋतु अत्यधिक सर्द होती है और गर्म और कम वर्षा, यानी उस समय वहाँ क्या होता है वर्षा कम होती है, तथा ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म होती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु को देखिएगा अत्यधिक गर्म होती है, जैसे आप राजस्थान वाली जो क्षेत्र देखते हैं अभी ग्रीष्म का महीना है बहुत ही गर्म है, इस प्रकार न्यून वर्षा होती है और वहाँ पे क्या है वर्षा का मात्रा बहुत कम होती है, इसके कारण छोटी छोटी वनस्पति विकसित हो जाती है, इसी कारण इसको, और वह वनस्पति जो होता है घास के मैदान के रूप में होती है, जिसके कारण इसको स्टेपी तुल जलवायु कहते हैं। स्टेपी तुल जलवायु देख रहे हैं कि खास करके गेहूं के दृष्टिकोण से जो देख रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है गई है। अब इस प्रकार से देखते हैं दूसरा जो उप प्रमुख है वह मरुस्थलीय जलवायु, जहाँ पूर्ण रूपेण मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस प्रकार की जिसको कहा कहते हैं बी तुल जो है कि BWK कहते हैं, तो इस प्रकार की जलवायु उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, यानी BWW मतलब गर्म होता है वार्म होता है, तो BWK जो होता है वह जलवायु उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, जिनका विस्तार देखिएगा पश्चिमी एशिया यानी पश्चिमी एशिया जो देखते हैं अरबियन प्रायद्वीप से थार मरुस्थल यानी भारत के पश्चिमी छोर वाली जो क्षेत्र है वह पूरा एरिया जो है कि मरुस्थलीय प्रदेश है। इसके अपेक्षा देखते हैं अरब का प्रायद्वीप जिसमें देखते हैं कि इराक, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की का बड़ा सा पार्ट, सऊदी अरब, यह सभी क्षेत्र जो है कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है वर्षा बहुत ही न्यूनतम होती है, यानी वर्षा मरुस्थल किसको कहते हैं जहाँ वाष्पीकरण के अपेक्षा वर्षण कम होती है, वैसे क्षेत्र को मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। तो आपने यह क्षेत्र जो देखा जो बी तुल जलवायु वाले जो क्षेत्र देखते हैं वहाँ क्या होता है वाष्पीकरण यानी वर्षण के अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होती है। अब देखिए कि तीसरा जो है कि वह उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र यानी वार्म जो खास करके देखिएगा तो यह मिड यानी जो महादेश के बीच वाली जो मिड वाली जो एरिया है तो वार्म टेम्परेचर रेन यानी मिड विंटर, इस प्रकार की जलवायु जो है जो चीन में उत्तरी भारत में जहाँ देखते हैं कि उत्तरी भारत में जो देख रहे हैं जहाँ की ग्रीष्मकाल जो होती है लंबी होती है शीतकाल छोटी होती है, वहाँ पे एशिया के पश्चिमी भागों में वर्षा का वितरण के आधार पर इस जलवायु प्रदेश को जो है कि यानी ताप के आधार पर, तो आपने देखा कि यह जो देख लिए कि यह क्या है कि मिड अटलांटिक जहाँ पे देखिए कि तापमान क्या होता है कि ग्रीष्मकाल जो होता है कि जब 45 डिग्री से दक्षिण की तरफ देखिएगा एशिया में, तो वहाँ पे जो होता है ग्रीष्मकाल जो होता है लंबा होता है शीतकाल आर्द्र होता है, इस तो यह वाली जो क्षेत्र है कि शीत तुल जलवायु में आती है। अब यहाँ की जो जलवायु है उसको तीन उप भाग में विभाजित किया है वर्षा के आधार पर यानी वर्षा के वितरण के आधार पर, तो प्रथम देखिए कि क्या है कि उष्ण शीतोष्ण जलवायु यानी शुष्क शीत ऋतु रहित, यानी शीत ऋतु क्या होगा शुष्क ऋतु सहित होगी, यानी शीत ऋतु जो होता है जहाँ शुष्क होती है तो उसको क्या है कि वह CW कहते हैं, जैसे भारत में जो देखते हैं तो भारत का जो मैदानी क्षेत्र है
वहां देखते हैं ग्रीष्म काल जो होता है आर्द्र होता है और शीत काल शुष्क होता है। इसी प्रकार इसको CW से, और दूसरा देखिए जो उष्ण शीतोष्ण जलवायु यानी शुष्क ग्रीष्म ऋतु सहित, यानी जब शुष्क ऋतु जो देखते हैं ग्रीष्म ऋतु सहित हो, यानी कि ग्रीष्म ऋतु कैसा हो जो शुष्क हो और शीत ऋतु आर्द्र हो, तो वैसे जो देखते हैं कि CA। अब देखिए चीन तुल जलवायु यानी कि CFA, यानी चीन तुल जलवायु यानी चीन का जो पूर्वी छोर जो देखते हैं वहां पे जो जलवायु पाई जाती है उसको CFA यानी कि वहां 12 महीना जो बारिश होती है, क्योंकि वहां जो बारिश होती है वह पछुआ हवा के प्रभाव क्षेत्र में वह एरिया आती है, तो जिसके कारण वहां बारिश होती है, तो उसको कहते हैं चीन तुल जलवायु, जिसका कॉपेन महोदय ने CFA से संबोधित किए हैं। अब देखिए उपध्रुवीय जलवायु क्षेत्र यानी सब आर्कटिक क्लाइमेट, इस प्रकार की जलवायु एशिया में जो साइबेरिया क्षेत्र का जो उत्तर का मैदानी भाग है और चीन का बृहद क्षेत्र जो मध्य वाली जो क्षेत्र है जहां शीतकालीन वर्षा के आधार पर, यानी शीतकालीन वर्षा के आधार पर इसको दो उपविभाग में विभाजित किया गया है। यानी जब देखते हैं शीत शीतोष्ण आर्द्र प्रदेश, यानी जहां शीत शीतोष्ण जो आर्द्र प्रदेश देखते हैं, यानी एक तो द्वि तुल जलवायु देखते हैं कि वहां जो होता है वर्ष का लंबा समय जो होता है शीत ऋतु ही होती है, ग्रीष्म ऋतु जो होता है अल्पकालीन होती है, तो वहां जो शीत शीतोष्ण और आर्द्र शीत ऋतु होती है, यानी शीत ऋतु में क्या होती है वर्षा होती रहती है और 12 महीना जो वहां बारिश होती रहती है, तो उसको DFC कहते हैं। दूसरा जो है कि क्या है शीत शीतोष्ण शुष्क ऋतु, शुष्क शीत ऋतु, यानी जब शीत ऋतु जो देखते हैं शुष्क होती है तो उसको DFC कहते हैं। जैसे मंगोलिया वाली जो क्षेत्र देखते हैं तो वह क्षेत्र जो है DFC में आती है। तो आपने देखा कि जैसे जिसमें क्या है कि शीत ऋतु अगर शुष्क होती है और ग्रीष्म ऋतु आर्द्र होती है तो वह जो है कि शीत शीतोष्ण यानी कि शुष्क, तो DWC कहते हैं। अब अगला देखिए कि ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र यानी पोलर रीजन, इस प्रकार के जलवायु का विस्तार साइबेरिया के उत्तरी छोर पे पाई जाती है जो आर्कटिक महासागर के पास। यहाँ पे जलवायु प्रदेश का तापमान का आधार के यानी तापमान के आधार पे उस प्रदेश के जलवायु क्षेत्र को दो भाग में विभाजित किया गया है, एक तुंद्रा तुल जलवायु जिसको ET कहते हैं, दूसरा हिम मंदित जलवायु यानी हिम छादित जलवायु जिसको EF कहते हैं। यानी तुंद्रा तुल जलवायु उसको कहते हैं जहाँ ग्रीष्म काल में जो तापमान होती है यानी वर्ष का जो सबसे गर्म महीना जो होती है उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक होती है, तो वैसे क्षेत्र को तुंद्रा तुल जलवायु कहते हैं। और हिम छादित जलवायु जिसका वर्ष के किसी भी महीना में तापमान जो होता है वह 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही होती है, वैसे जलवायु प्रदेश वाले को हिम छादित जलवायु यानी EF जलवायु कहते हैं। तो यह खास करके एशिया का जो उत्तरी भाग जो आर्कटिक सागर की तरफ लगती है उस क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब आपने देखा कि कोपेन महोदय के अनुसार जो है एशिया को क्या है 5 बृहत जलवायु प्रदेश में और 11 उप जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो यह जो है एशिया को जो भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा यानी कि प्रतीक चिन्हों के द्वारा इन्होंने जलवायु को प्रदर्शित करने का प्रयास किए थे। और या आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों में इसके लिंक को शेयर कीजिए। और आप अगर मेरे साइट पे अगर लिंक पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मित्रों।